आज हम लोगों ने गाय पर निबंध लिखना सीखा है ना। यस मैम। अब इसी तरह सब लोग कुत्ता पर निबंध कैसे लिख सकते हैं तो वो बारी बारी बताएंगे। चलो पहली लाइन आसना। कुत्ता पालतू जानवर है। वेरी गुड, कुत्ता एक पालतू जानवर है। सचिन। कुत्ते के चार मुंह रहते हैं। खड़े होके बताओ, खड़े होके। हाँ, चार मुंह रहते हैं। हाँ, कुत्ते के चार पैर रहते हैं। हाँ, कुत्ते के चार पैर रहते हैं, नहीं बोलेंगे, कुत्ते के चार पैर होते हैं। समीर जी। मैम, कुत्ते के मैम दो कान होते हैं। वेरी गुड। सनी। मैम, कुत्ते के एक मुंह होते हैं। एक मुंह होता है। रितेश बताओ, खड़े हो। कुत्ते की पूंछ होती है। कितनी? एक। कुत्ते के एक पूंछ होती है। वेरी गुड। हर्ष। कुत्ते के दो आँखी होती है। आँखी नहीं, आँखें। ठीक है। विष्णु। कुत्ते के एक नाक रहते हैं। एक नाक होती है। हाँ, और कोई? दिवेश। कुत्ते के एक पेट होते हैं। एक पेट होता है कुत्ते के। हाँ, और श्रुति। कुत्ता बच्चा देता है। सही बताओ। हाँ, सही है, सही है। और बताओ। कुत्ता मम खाना भी खा रहा है। क्या खाता है? मम हड्डी। हाँ, और मम अंडा। हाँ, रोटी, रोटी। रोटी तो सही है। एक एक बात बताओ, रोटी ओटी, ओटी क्या होता है? होता है कुछ रोटी होती है, दूध रोटी ये सब। और बताओ। हाँ आसना। हमारे घर को रक्षा करता है। कुत्ता हमारे घर की रक्षा करता है। समीर। कुत्ता मैम चोर आते हैं तो भौंकता है। वेरी गुड। चोर आते हैं तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। और कुछ कुत्ते के बारे में बताना है किसी को? नहीं मैम। हाँ समीर जी। मैम। हाँ। कुत्ते के मैम एक जीव होती है। जीव होती है तो इस तरह। हाँ विष्णु बताइए। कुत्तों को हम लोग लेटरिंग नहीं करने देते हैं। जो हम लोग पालते हैं। जो पालते हैं उसको गंदी चीजें नहीं खाने देते हैं। तो ठीक है, इस तरह कुत्ते पर निबंध लिखा जाता है। yes, सबको निबंध लिखने का मतलब समझ में आ गया ना। yes, कि जो भी चीज ऐसे, जैसे गाय पे हमने लिखा या कुत्ते पे सब लोगों ने बताया, इस तरह हम लोग शेर पे, मोर पे, कबूतर पे, हाँ भैंस पर, किसी भी चीज पर निबंध लिख सकते हैं। तो सबका होमवर्क यही है, कुत्ते पे अभी जितना बताया है ना, इसको घर से लिख कर लाओगे। सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है।